वेलकम। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल्ड बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया कि जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो प्रकार से स्टेट कर सकते हैं। दो प्रकार से हमने स्टेट करके आपको दिखाया। एक जूल्स लॉ के आधार पे, जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क जो है, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट उसके आधार पे, और एक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही कंसीडर करके उसके आधार पे भी हमने आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में उसको डिराइव किया। हमने को वहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड होता है dQ = dU + dW के, उसी डिफरेंशियल फॉर्म के आधार पे, या हमको ये पता होता है कि dQ की वैल्यू dU + dW की इक्विवेलेंट होगी। यानी इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को dQ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस सिस्टम के उस हीट का कुछ पार्ट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यानी dU में के चेंजिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ पार्ट जो शेष पार्ट बचेगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाएगी dW में यानी उसके एक्सटर्नल वर्क डन में। ठीक है, ये हमने आपको पीछे बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे क्यों वर्क एंड हीट वाला यानी स्टेटमेंट हमने कंसीडर किया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करते हैं। यानी हम कहते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी ऑल्सो डिफाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एंड हमने वहाँ देखा कि जैसे हम कंसीडर करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कहने का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, बट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को इंक्लूड नहीं करती है मैकेनिकल एनर्जी, बट मैकेनिकल एनर्जी वनली इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट इन थर्मोडायनेमिक हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक इज द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट इट इज ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एंड इट इज यूनिवर्सली वैलिड फॉर एवरी पॉइंट एवरी स्टेट एंड इन ऑल केसेस इट इज अप्लीकेबल, और सभी केसों में क्या है ये अप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है दो रूपों में यानी दो प्रकार से हम स्टेट कर सकते हैं। फर्स्टली हमने इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे हमने डिफाइन किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। वर्क एंड हीट के आधार पे हमने बताया कि हम ये जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जब हम आपको पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम किसी सिस्टम को इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट आया कहाँ से, ये टर्म आया कैसे, तो जूल ने देखा एक सीरीज एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि हम किसी सिस्टम के टेम्परेचर को दो प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, या किसी बॉडी के टेम्परेचर को दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, या तो उसको वर्क डन वनी वर्क करके, या हम सिस्टम को हीट डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करके भी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, या वर्क डन करके भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो इसी में इक्विवेलेंस सब वहाँ से क्लियर हो जाता है कि हीट के अकॉर्डिंगली भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वर्क के अकॉर्डिंगली भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसलिए वर्क और हीट क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। इसके आधार पर इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट बनाया गया। उसी के आधार पर जूल ने बताया कि यदि हम किसी सिस्टम को यानी जूल के इस नियम के आधार पर यानी जब किसी सिस्टम के पर हम वर्क करते हैं तो उसी वर्क डन के कारण सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से जूल ने कहा कि द वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किसी सिस्टम पे अगर हम वर्क करेंगे तो सिस्टम के में जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो इसके वर्क डन के पे डिपेंड करेगा, यानी वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, W इज प्रोपोर्शनल टू द Q, या यहाँ से W = jQ होता है, वेयर J इज द कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्यू को इधर करेंगे W/Q = हो जाता है J, पीछे हमने आपको बताया सारी चीज़ों को, W/Q = हो जाता है J, और ये रेशियो जो है वर्क और हीट का ये अप्लीकेबल होगा फॉर ऑल केसेस व्हेन एवर जब टोटली वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक ना, ये जो रिलेशन हमको मिला W/Q = इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे, जूल ने जो ये रिलेशन फाइंड किया W/Q = J का, जहां हमने J को माना कांस्टेंट है और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट उसको कंसीडर करते हैं, तो ये रिलेशन जो है हमारा अप्लीकेबल होगा ऑल केसेस में। ये रेशियो हमारा तभी यानी कि कहने का मतलब ऑल केसेस ट्रू होगा जब कभी भी व्हेन एवर द टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू टोटली हीट, यानी टोटल वर्क क्या होगा हीट में कन्वर्ट होगा, तभी ये रिलेशन हमारा प्रूफ होगा, कहने का मतलब है क्लियर होगा।
यानी कहने का मतलब W बाई क्यू इजिकल टू जे का ये जो कॉन्सेप्ट हमको जूल के माध्यम से द्वारा मिला है तभी ये ट्रू होगा। कब? जब व्हेन एवर द वर्क डन इज कन्वर्टेड टोटली इन टू द हीट, यानी जब वर्क डन क्या होगा टोटली हीट में कन्वर्ट होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा या प्रूफ होगा हमारा। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट को हमने जो है सेकेंड फॉर्म में यानी कि अनदर फॉर्म से हम इसको और भी स्टेट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म से हमने इसको स्टेट किया, हमने आपको बताया कि जब हम किसी सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो हम जानते हैं कि सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम के जो मालिक्यूल्स होते हैं, जो सब्सटेंस के मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स के बीच का जो इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जो उनके मालिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है या मालिक्यूलर मोशन जो होता है उस इफेक्ट पड़ता है। यानी जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम में जो सब्सटेंस होंगे, जो सब्सटेंस हम कंसीडर करते हैं, जो भी हम क्वांटिटी ऑफ मैटर कंसीडर करेंगे, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर के जो मालिक्यूल्स होंगे उन मालिक्यूल्स के मालिक्यूलर मोशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और मालिक्यूलर मोशन जब इंक्रीज करेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी के कारण उसमें सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब हम यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसी अमाउंट ऑफ हीट के कारण सिस्टम के जो मालिक्यूल्स होंगे उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक ना, यानी उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा और जो हीट होगी, हीट एनर्जी क्या होगी, उनके बीच के इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगी और इनका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि सम पार्ट ऑफ हीट इज इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सम पार्ट ऑफ हीट इज इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो शेष बचेगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज करने के बाद, तो वो पार्ट ऑफ हीट कन्वर्ट कहाँ होगी, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होगी। यानी इस प्रकार से अगर हम समझें, यदि हम कहें कि डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी डी यू पी से इंक्रीज होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डी यू पी से इंक्रीज होती है और एक्सटर्नल वर्क डन हमको डी डब्ल्यू मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू होगी अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी प्रूफ होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी प्लस डी डब्ल्यू, या डी यू के और डी यू पी को हम जानते हैं डी यू के बराबर यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ हमको दो बातें ध्यान रखनी है, यदि हमने आपको बताया कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जो होता है उसमें जो तीनों क्वांटिटीज हम कंसीडर करेंगे ऑल थ्री क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, यदि हम डी क्यू को जूल में मेजर करें तो डी यू को भी जूल में मेजर करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को भी जूल में लेना पड़ेगा, यदि हम डी क्यू को कैलोरी में कंसीडर कर रहे हैं तो डी यू को भी कैलोरी में लेना पड़ेगा, डी डब्ल्यू को भी कैलोरी में लेना पड़ेगा, यदि हम डी क्यू को किलो कैलोरी में कंसीडर कर रहे हैं तो डी क्यू को डी यू को भी किलो कैलोरी में लेना पड़ेगा और डी डब्ल्यू को भी किलो कैलोरी में हमको लेना पड़ेगा, यानी कि तीनों क्वांटिटीज को हम सेम यूनिट में ऑलवेज मेजर करेंगे। दूसरी चीज़, यदि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड, यानी इफ सिस्टम इज टेकन हीट टेकन अमाउंट ऑफ हीट, यानी सिस्टम यदि हीट को ले रहा है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो हीट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एक पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, साइन हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यदि सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, ठीक ना, सिस्टम इज गिवन टू द हीट, सिस्टम हीट को दे रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम हीट को बाहर कर रहा है, सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, तो हमेशा हीट को हम नेगेटिव क्वांटिटी कंसीडर करेंगे एंड हीट इज कंसीडर्ड इन द नेगेटिव साइन। एंड इसी प्रकार से जब हम वर्क सिस्टम पे किया जाएगा, यानी कि इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो वर्क डन हमेशा हम पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, एंड इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी यदि सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, बाहर से हम सिस्टम पे कार्य करेंगे, तो हम वर्क डन को हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थ्री क्वांटिटीज डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू यूज करेंगे, सबको सेम यूनिट में लेंगे, यदि सिस्टम हीट को रिसीव करता है, सिस्टम हीट को लेता है, तो हीट पॉजिटिव क्वांटिटी होगी,
सिस्टम हीट को रिलीज करता है, बाहर निकालता है, सिस्टम हीट को देता है, तो नेगेटिव क्वांटिटी हीट को नेगेटिव साइन में लेंगे। यदि सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंड करे सिस्टम वर्क करेगा, जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव, एंड व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, कंप्रेस करेंगे हम सिस्टम पर कार्य करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन हम नेगेटिव क्वांटिटी लेंगे। इन बातों को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तब हम इसके आधार पे एप्लीकेशन आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए वेरियस प्रोसेसेस में, जो पीछे हमने प्रोसेस पढ़े हैं, उन प्रोसेसेस में जो क्या एप्लीकेशन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, वेरियस प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करें, यानी हम किसी सिस्टम को लें और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा, क्या देगा, क्या वैल्यूज हमको प्राप्त होंगी। जब आइसोबैरिक प्रोसेस में लेंगे तो क्या मिलेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में लेंगे तो क्या मिलेगा, आइसो साइक्लिक प्रोसेस में लेंगे तो क्या मिलेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में लेंगे तो क्या मिलेगा, इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन में लेते हैं, फर्स्टली पहला एप्लीकेशन हम लेते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिंपली हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक ना, यानी जिस प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर निश्चित होगा, यानी कि टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाएगा। जैसे अब हमारे मन में एक बात आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, हम आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हम लेते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे, आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे, तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। सिंपली हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, इस प्रकार से एक सिस्टम मान लेते हैं, ये हमने पिस्टन लिया हुआ है, इसकी जो वाल्व्स हैं वे वेल कंडक्टिंग वाल्व्स हैं, वाल्व कैसी हैं, वेल कंडक्टिंग हैं, ठीक, और ये हमारा सिस्टम है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक ना, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में गैस भरी हुई है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे कहा जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम हमारा कैसे कहा जाएगा, ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमने यहां जो सिस्टम लिया हुआ है, ये जो पिस्टन हमने कंसीडर किया हुआ, ये पिस्टन हमारा जो है ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस का मतलब है कि थोड़ा सा भी अगर प्रेशर, हल्का सा भी स्लाइटली प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, या स्लाइटली प्रेशर रिमूव करेंगे तो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, एकदम फ्रिक्शन लेस है, किसी भी प्रकार का इसमें, यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, आसानी से नीचे ऊपर आ जा सकता है, ठीक। गैस भरी हुई है, सिलेंडर हमने कंसीडर किया, और सिलेंडर की जो वाल्व्स हैं वे वेल कंडक्टिंग है, यानी सराउंडिंग के साथ आसानी से हीट को एक्सचेंज कर सकती है, ठीक। ध्यान से समझिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने कहा हीट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगी कैसे, देखिए हम सिस्टम पे क्या करते हैं कि पिस्टन पे प्रेशर बढ़ाते हैं, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते तुरंत नहीं कि ऐसा नहीं कि फटाक से प्रेशर हमने बढ़ा दिया, ऐसे नहीं, स्लोली हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जब हम स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहां देखिए स्लोली, बहुत ही स्लोली यानी स्मॉल अमाउंट में धीरे 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 हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, स्लोली प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का, जब सिस्टम पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो गैस का वॉल्यूम जब डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या है, कोलाइड करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो उनकी क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन इतना स्लोली हम सिस्टम में जो पिस्टन है
पिस्टन को इतना स्लोली रिमूव करते हैं, इतना स्लोली रिमूव करते हैं कि क्योंकि जो टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा वो सराउंडिंग के साथ क्या है, जो हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी क्यों, जबकि जब सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या है, कोलाइड, उनकी कोलाइडेशन जो उनका कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो वही कोलाइड यानी मॉलिक्यूल्स क्या है, कोलाइड करेंगे सिस्टम की वाल्स पे, तो वाल्स पे कोलाइड करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, यानी जब वो वाल पे यानी कि वाल्स पे सिस्टम सिलेंडर की वाल पे स्ट्राइक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक ना। लेकिन इतना स्लोली ये प्रोसेस हम करेंगे, इतना स्लोली हम कॉम्प्रेस करेंगे गैस को, इतना स्लोली हम यहाँ कॉम्प्रेस करेंगे गैस को कि स्लोली कॉम्प्रेस करेंगे कि जो इंटरनल यानी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा वो आसानी से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि हीट क्या होगी, जो हीट एनर्जी यहाँ इंक्रीज करेगी वो एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग के साथ, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ हीट क्या होगी, टेम्परेचर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आया, यानी कहने का मतलब हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसमें गैस भरी हुई है और सिलेंडर की दीवारें क्या हैं, वेल कंडक्टिंग हैं, यानी कि थोड़ी सी भी हीट रहेगी तो आसानी से वो थोड़ी सी हीट बढ़ेगी तो तुरंत वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर देंगी, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम सिस्टम पर प्रेशर यानी सिस्टम को कॉम्प्रेस करते हैं स्लोली, वेरी स्लोली, इतना स्लो हम कॉम्प्रेस करेंगे कि जो यहाँ हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो क्या है, स्लाइटली धीरे से क्या होगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और टेम्परेचर हमेशा हमारा कांस्टेंट बना रहेगा, यानी सिस्टम का जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर रहेगा, यानी जैसे थोड़ी सी हीट एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही इतना स्लो ये प्रोसेस होगा कि वो क्या होगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सिस्टम के प्रेशर को कम करते हैं, रिमूव करते हैं, सिस्टम के प्रेशर को कम करते हैं, जब प्रेशर हम कम करेंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, और जो गैस एक्सपैंड होगी किसके कारण एक्सपैंड होगी, वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेगी और उसी हीट एनर्जी से गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, और उस केस में भी हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, यानी कि गैस हमारा कॉम्प्रेस भी होगी स्लोली, जब लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, जब हम स्लोली गैस को कॉम्प्रेस करेंगे, स्लोली का मतलब है कि बहुत ही धीरे धीरे हम जब गैस को स्लोली कॉम्प्रेस करेंगे या स्लोली एक्सपेंड करेंगे तो गैस के टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और सिस्टम तब हमारा क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कहा जाएगा, सिस्टम हमारा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कहा जाएगा, कब, जब बहुत ही स्लोली हम गैस को यानी कि पिस्टन के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे बहुत ही स्लोली जब इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब ऐसा होगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, जो हम सिलेंडर कंटेनर लेंगे वो भी क्या होगा, वेल कंडक्टिंग रहेगा, उसकी वाल्व क्या रहेंगे, उसकी दीवारें वेल कंडक्टिंग रहेंगी, तभी जब हम स्लोली पिस्टन पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर स्लोली वेरी स्लोली प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तभी हमारा कंप्रेशन और एक्सपेंशन के दौरान हीट एनर्जी में कोई भी एक्सचेंजेस नहीं, टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, यानी वह प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है, और हम जानते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो जब टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी, जब इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी इंटरनल एनर्जी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो यहां लिख सकते हैं हम सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हम यहां लिख सकते हैं सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर
हम जानते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, दैट इज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के, जब डी यू की वैल्यू जीरो होगी देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, लेकिन इन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, डी यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो के, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डी यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो के, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब डी यू जीरो हो जाएगा इंप्लाइज दैट यहां से वैल्यू आ जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू के, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू के, यानी हम कह सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस या इन आइसोथर्मल चेंज, इन आइसोथर्मल चेंज व्हेन वी गिव द हीट डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम देन दिस टोटल हीट इज कन्वर्टेड इंटू वर्क डन, यानी ये पूरी की पूरी हीट क्या होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी, यानी इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, यानी वर्क डन के इक्विवेलेंट होगी, यानी जब हम किसी सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसिडर करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, वर्क डन में, यानी सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य में खर्च होगी, हम नीचे यहाँ लिख सकते हैं दस द नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू नेट वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जितना हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे टोटल हीट कहाँ कन्वर्ट होगी, वर्क डन में इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी हम आइसोथर्मल प्रोसेस में लिख सकते हैं हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन, यानी हम सिस्टम को जितनी हीट रिसीव कराएंगे, जितनी हीट सिस्टम को देंगे, सिस्टम को हीट जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, किए गए कार्य में, यानी सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य में खर्च होगी, यानी हम कह सकते हैं द हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी हीट कन्वर्ट कहाँ होगी, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन में कन्वर्ट होगी, ये हो गया हमारा हीट इन आइसोथर्मल, यानी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, या कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, किए गए कार्य में, यानी वर्क डन में खर्च होगी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू नेट वर्क डन, यानी जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट टोटल वर्क डन में खर्च हो जाएगी, यानी किसी भी प्रकार की हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च नहीं होगी, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है कि यदि हम सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी उस हीट का कुछ भाग उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज करने में और शेष भाग किए गए कार्य में खर्च होता है, लेकिन अगर हम सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में लेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि हम किसी सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट करेगा वर्क डन में, यानी किए गए कार्य में हमको कन्वर्ट कर देगा, वो किसी भी प्रकार की ऊष्मा का लॉस यानी किसी भी प्रकार की हीट को किसी अदर प्रोसेस में खर्च नहीं करेगा, जो भी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे इन द आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस में एप्लीकेशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस में ये एप्लीकेशन आपका होगा।
नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको बताया कि वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और इंटरनल एनर्जी जब कांस्टेंट होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी डी डब्ल्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करेंगे तो सिस्टम को जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, किए गए कार्य में खर्च होगी, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू डी डब्ल्यू के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हम सेकंड आपका है एडियाबेटिक प्रोसेस में देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रकार से वर्क करता है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी हिंदी में हम कह सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी वह प्रक्रम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन समझें तो कहते हैं द प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार का उसके ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यानी कहने का मतलब है कि वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम की जो हीट है वो कॉन्स्टेंट रहती है, हीट जो आपकी सिस्टम की है वो न तो सराउंडिंग में आएगी न सराउंडिंग की हीट सिस्टम के अंदर जा सकती है, यानी देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ सी हीट या देयर आर नो हीट फ्लो इन टू आर आउट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के न तो अंदर किसी प्रकार की ऊष्मा का प्रवाह सराउंडिंग से होगा न सिस्टम की हीट सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी, यानी देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट इन टू आर आउट ऑफ सिस्टम, यानी ये प्रोसेस इन विच देयर आर नो फ्लो ऑफ हीट इन टू आर आउट ऑफ सिस्टम इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार के ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी जिसमें जो सिस्टम की हीट है वो हीट है, उसके बाद हीट में कोई भी एक्सचेंजेशन, यानी हीट न तो हम सिस्टम को बाहर से कोई हीट प्रोवाइड कर सकते हैं न ही सिस्टम की हीट को हम बाहर ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना, हम बाहर से किसी प्रकार की हीट को दे सकते हैं ना ही अंदर से किसी सिस्टम से कि अंदर से किसी भी प्रकार की हीट को बाहर ले सकते हैं, तो जिस प्रोसेस में ऐसा हम कर नहीं सकते हैं वही प्रोसेस हमारा है, होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम की को ना तो हम किसी प्रकार की हीट को दे सकते हैं ना ही किसी प्रकार की हीट सिस्टम से ले सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट द अमाउंट ऑफ हीट या द हीट इज कांस्टेंट, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है कांस्टेंट होती है, जब हीट कांस्टेंट होगी तो चेंज इन हीट जब निकालेंगे हीट की वैल्यू में क्या होगा कोई भी चेंजिंग नहीं होगी तो चेंज इन हीट क्या होगा जीरो होगा, तो हम आप कह सकते हैं दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, जब dQ की वैल्यू जीरो होगी देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स V है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं dQ इज इक्वल टू होता है dU प्लस dW, बट इन एडियाबेटिक प्रोसेस dQ इज इक्वल टू जीरो होगा, इन एडियाबेटिक dQ इज इक्वल टू होता है जीरो के, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा dU प्लस dW, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा dU इज इक्वल टू माइनस dW के। हियर टू केसेज आर एराइजेस, यहाँ दो केस जनरेट होंगे, यहाँ पे यहाँ क्लियर हमको मिल गया, यहाँ से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं कि डी यू की वैल्यू क्या होगी माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होगी, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द वर्क डन। अब यहाँ से देखिए यहाँ दो क्वान्टिटी, यहाँ हमको मिल गया डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू के, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ वर्क डन। निगेटिव ऑफ वर्क डन यानी कहने का मतलब जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा वो वर्क डन के निगेटिव के बराबर होगा, ऋणात्मक के बराबर होगा, यानी यहाँ क्या है यहाँ कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, या दो केसेस हम बनाते हैं, दो केस होगा क्योंकि वर्क डन निगेटिव है तो वर्क डन निगेटिव कब होगा या पॉजिटिव कब होगा ये हम जानते हैं। ठीक, तो यहां हम कंसीडर कर सकते हैं दो केसेस कंसीडर कर सकते हैं, यहां पहले केस में हम कह सकते हैं हियर टू केसेस आर पॉसिबल,
यहां दो केसेस पॉसिबल होंगे, हियर टू केस आर पॉसिबल। यहां क्या है, देखिए दो केसेस क्या है। पहले में है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम if work done by the system then dw is equal to positive, तो dw की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, जब dw की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहां से हो जाएगा implies that du is equal to, इसके आधार पर अगर हम कंसिडर करें तो माइनस हो जाएगा, dw की वैल्यू पॉजिटिव यानी implies that du is equal to हो जाएगा माइनस dw के। ठीक, जब सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डीयू की वैल्यू क्या होगी, माइनस डीडब्ल्यू के बराबर होगी, यानी डीयू की वैल्यू डीडब्ल्यू के बराबर होगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड होगा एडियाबेटिकली, वर्क डन बाय द सिस्टम कब होगा, सिस्टम कार्य तब करेगा जब गैस एक्सपेंड होगी, व्हेन द गैस इज एक्सपेंडिंग इन एडियाबेटिक प्रोसेस, जब गैस एक्सपेंड होगी एडियाबेटिकली तो जो वर्क डन हमको फाइंड होगा वो वर्क डन क्या होगा, जो भी dW की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के कारण आएगी, जो भी वर्क डन हमको प्राप्त हो गया dW = - dU भी लिख सकते हैं, वो डिक्रीज इन काइनेटिक डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। और दिस यानी कि व्हेन द गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबेटिकली देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजेस, तब गैस का जो यानी जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज करेगा, यानी और ये डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू द, यहाँ क्या होगा, ये जो डिक्रीज होगा टेम्परेचर वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी जितनी भी चेंज होती जाएगी कम होती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी, तो गैस का जब सिस्टम क्या है एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगा, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जब गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड किसके कारण, सिस्टम अपनी स्वयं की आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके एक्सपेंशन पोजीशन में आएगी, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंगली वर्क डन हमको फाइंड होगा, यानी गैस एक्सपेंड करेगी, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जब गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी, यानी जब वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो सिस्टम एक्सपेंड करेगा, यानी कि तब गैस का वॉल्यूम क्या होगा एक्सपेंड करेगा, तो गैस क्या एक्सपेंड करेगी जब एडियाबेटिकली, तो जो भी वर्क डन हमको फाइंड होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी के खर्च होने के कारण, यानी इंटरनल एनर्जी जितनी कम होगी उसके जितनी अमाउंट में इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी उतनी ही अमाउंट में हमको वर्क डन फाइंड होगा, यानी हम कह सकते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, यानी कहने का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन जब वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, यानी कि व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबेटिकली देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, यानी जो भी वर्क डन हमको प्राप्त होगा ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी के खर्च के कारण, यानी जितनी इंटरनल एनर्जी जितना सिस्टम का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा जितना टेम्परेचर उसका कम होगा उतनी अमाउंट में हमको वर्क डन प्राप्त होगा, कब, जब गैस हमारी एक्सपेंड होगी एडियाबेटिकली, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम किया जाएगा तब। ठीक, दूसरा है इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, if work done on the system, on the system होगा then dW हमारा क्या होगा negative होगा, then dW की value हमारी क्या होगी negative, then dW की value negative आएगी, जब negative आएगी तो यहां से value निकालेंगे implies that du is equal to है minus dW की वैल्यू हो जाएगी माइनस dW के, या इंप्लाइज दैट यहां से हो जाएगा du इज इक्वल टू dW के, यानी कहने का मतलब है कि जब गैस क्या होगी कॉम्प्रेस होगी एडियाबेटिकली, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जब गैस कॉम्प्रेस होगी तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी dW इज इक्वल टू du, देखिए पॉजिटिव है, यानी जितना वर्क डन फाइंड होगा गैस की इंटरनल एनर्जी उतना इंक्रीज करेगी, यानी जब गैस, ध्यान से देखिए दोनों केस हम आपके सामने रखे हुए हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में
सिस्टम जब कार्य करेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंजिंग होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। लेकिन यहाँ जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, यानी जब गैस एक्सपेंड होगी एडियाबेटिकली, गैस एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी, यानी जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी डीयू इक्वल टू माइनस डीडब्ल्यू के बराबर होगा। यानी जो भी कार्य हमको प्राप्त होगा वो कार्य हमको किसके कारण प्राप्त होगा, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन हमको फाइंड होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज के कारण हमको फाइंड होगा, यानी जितना इंटरनल एनर्जी लॉस होता जाएगा, इंटरनल एनर्जी जितनी डिक्रीज करती जाएगी उतने अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको प्राप्त होगा तब, जब गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तब, यानी जितना हमको वर्क डन प्राप्त होगा वो ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी के खर्च के कारण प्राप्त होगा। जितना इंटरनल एनर्जी हमारी कम होती जाएगी, गैस का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा उतना हमको वर्क डन प्राप्त होगा इक्वल अमाउंट में, ठीक। लेकिन जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी जब गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी, ठीक ना, जब गैस हमारी एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड होगी, तो गैस जब कॉम्प्रेस्ड होगी तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो गैस कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जब गैस कॉम्प्रेस होगी गैस के मॉलिक्यूल समीप आएंगे और गैस के मॉलिक्यूल के में कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इन व्हेन द गैस कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली, जब गैस एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड होगी, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो द वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होगा तो जितना कार्य सिस्टम के द्वारा किया जाएगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, यानी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितने अमाउंट में इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज होगी यानी इंक्रीज करेगी, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी, जितना सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जब गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होगी, तो जितनी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी उतना ही सिस्टम का वर्क डन हमको प्राप्त होगा, यानी सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, यानी सिस्टम पर किया गया कार्य जो होगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यानी जब गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी तो गैस के द्वारा किया गया कार्य, जो गैस के द्वारा किया गया कार्य होगा वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और जब गैस कॉम्प्रेस होगी एडियाबेटिकली यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य यानी गैस पर प्राप्त किया गया जो भी कार्य होगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यानी जब गैस कॉम्प्रेशन में होगी एडियाबेटिकली तो जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके द्वारा किए गए, गैस के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। और जब गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली तो गैस के द्वारा किया गया कार्य उसकी इंटरनल एनर्जी में जितनी डिक्रीजिंग होगी उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम यहां कह सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि दस इफ गैस इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, द गैस इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, एंड इफ इट इज एडियाबेटिकली एक्सपैंड इट्स टेम्परेचर विल फॉल। जितने अमाउंट में इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वही अमाउंट यानी टेम्परेचर इसका फॉल होगा। यानी कहने का मतलब जब एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस हमारी एक्सपैंड करेगी तो गैस क्या होगी, ठंडी होगी, गैस का टेम्परेचर कम होगा। यानी जो गैस एक्सपेंड करेगी वह कार्य किसके कारण मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के खर्च के कारण, यानी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी उसके कारण मिलेगा। और जब गैस एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड होगी तो जो भी हमको वर्क डन फाइंड होगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और गैस का टेम्परेचर कॉम्प्रेस यानी एडियाबेटिकली गैस जब कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गैस हमारी गर्म होगी। जब एडियाबेटिकली गैस हमारी एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर गैस का फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा, और गैस हमारी ठंडी होगी। समझ में आया, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जब गैस का आयतन बढ़ेगा तो गैस हमारी ठंडी होगी, जब एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस का आयतन घटेगा यानी गैस कॉम्प्रेस होगी तो गैस का टेम्परेचर यानी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक।
या वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। ये वर्क डन की वैल्यू जब गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली तो गैस के द्वारा किया गया कार्य चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी जितनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी उसके बराबर होगा, और जब गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस के द्वारा किया गया कार्य जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी उसके बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लीकेशन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बताता है कि जब गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी एक्सपेंड करेगी तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, गैस का टेम्परेचर कम होगा, और जब गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होगी तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस यहां से हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस हम आते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस देखिए बहुत ही सिंपल है। आइसोबैरिक प्रोसेस हम जानते हैं, दोस प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, जहां प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा वो प्रोसेस हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम समझने के लिए सिंपली एक एग्जांपल के आधार पर हम यहां समझते हैं। यानी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज में से भाग क्या होगा, किए गए कार्य में खर्च होगा, DQ = DU + DW होगा। एक एग्जांपल के आधार पर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस को कंसीडर करने के लिए हम पहले कंसीडर कर लेते, देखिए कैसे मानेंगे यहाँ से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम आइसोबैरिक प्रोसेस में एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए मिट गया, एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोबैरिक प्रोसेस में हम देखेंगे, हम मानते हैं कि कोई यम मास ऑफ वाटर हम कंसीडर करते हैं। वाटर को हम मान लेते हैं, वाटर का द्रव्यमान हमारा क्या है, यम द्रव्यमान का कोई वाटर, हम वाटर को लेते हैं, लिक्विड स्टेट कंसीडर करते हैं, और हम मानते हैं कि लिक्विड स्टेट हम इसको मान लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, देन हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। हम जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर लिक्विड स्टेट में, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, हीट प्रोवाइड करेंगे आप तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर क्या है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। ठीक ना, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। हमने मान लिया कि यम मास ऑफ वाटर है और इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और ये वाटर से क्या होता है स्टीम में चेंज हो जाता है, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम मान लेते हैं कि वाटर का द्रव्यमान इतना है एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। हम मान लेते हैं वाटर हमारा क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, देन हम मान लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में वाटर कंसीडर करते हैं और वो क्या है वाटर क्या है स्टीम में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो जब स्टीम में कन्वर्ट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में एट कांस्टेंट प्रेशर हम कंसीडर करते हैं तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा क्या, देन हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर by water ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम आपको समझाते हैं, देखिएगा हमने कहा आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ प्रोसेस है जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमको आइसोबैरिक प्रोसेस में कंसीडर करना है तो हम यहां मान लेते हैं, हम मानते हैं कि एक यम द्रव्यमान का वाटर यानी वाटर है, यम द्रव्यमान में हमने वाटर को लिया, वाटर का यम द्रव्यमान कंसीडर किया लिक्विड स्टेट में, और हम मानते हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर तो वाटर क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने आपको बताया है कि जब कभी भी हम हीट प्रोवाइड करें किसी भी सिस्टम को किसी भी स्टेट में यानी लिक्विड जैसे मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करने पे सब्सटेंस के स्टेट्स में चेंजिंग नहीं होती उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वह अमाउंट ऑफ हीट यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के लिए जितनी ऊष्मा हम प्रोवाइड करेंगे और उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी वही एकांक द्रव्यमान के लिए दी गई ऊष्मा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कही जाती है स्पेसिफिक हीट कही जाती है।
समझ में आया कि नहीं। लेकिन जब हम यहाँ हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं तो जितनी उष्मा देने के बाद अगर सब्सटेंस के स्टेट्स में चेंजिंग हो जाए, यानी जब हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें तो सब्सटेंस के स्टेट्स में चेंजिंग ना हो, सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, जब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है तो हम कहते हैं कि एकांक द्रव्यमान यानी एकांक यूनिट मास के लिए सब्सटेंस को दिया गया हीट जिसके कारण उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होती है, वह एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के लिए जितनी उष्मा हम सिस्टम को प्रोवाइड सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वह दी गई उष्मा हमारी विशिष्ट उष्मा कही जाती है। लेकिन यदि हम सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यदि हम सिस्टम को टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने पे सिस्टम के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ना हो, सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ना हो, बल्कि क्या हो, सब्सटेंस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, तो वहां अमाउंट ऑफ हीट जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो उसकी लेटेंट हीट कही जाती है। यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को दी गई उष्मा, यानी यदि हम किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को हीट प्रोवाइड करें और वह पदार्थ क्या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो, तो जितनी उष्मा की मात्रा हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, वह उष्मा की मात्रा उसकी लेटेंट हीट कही जाएगी यानी गुप्त उष्मा कही जाएगी। तो यहां से हमने कहा कि हम यम मास का एक वाटर लेते हैं, यम मास वाटर के यम मास को कंसीडर करते हैं लिक्विड स्टेट में, और जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर के द्वारा उसकी वैल्यू क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहां जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वह ली गई उष्मा क्या होगी, उसकी गुप्त उष्मा के बराबर होगी। एकांक द्रव्यमान के लिए तो हमने यहां द्रव्यमान कितना लिया, यम मास के लिए तो हम मान लेते हैं कि जो ली गई उष्मा क्या है, हमने मान लिया कि डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सब्सटेंस वाटर को प्रोवाइड करते हैं, डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो ये अमाउंट ऑफ हीट किसके बराबर होगी, उसकी लेटेंट हीट के बराबर होगी, किसके लिए, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के। लेकिन यहाँ द्रव्यमान कितना हम लिया है, यम मास लिया है, एकांक के लिए एल के बराबर होगी, यम मास के लिए यम एल हो जाएगी, यानी डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यम इंटू एल, यानी देन हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर कितना होगा, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी यम इंटू एल के बराबर होगी, यम एल के बराबर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे वन, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यम इंटू एल के। अब इसके आधार पर हम जानते हैं, यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं, हम मान लें इफ VL इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड VS भी लिख सकते हैं वेपर के लिए, भी कंसीडर कर सकते हैं या भी एस कंसीडर कर लेते हैं, स्टीम के लिए हम भी ले लेते हैं, तो कम पड़ जाए, इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर या भी इन द वेपर स्टेट हम कंसीडर कर सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेपर स्टेट, जब वेपर स्टेट में वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो वेपर स्टेट में उसका वॉल्यूम हमने मान लिया भी है। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं DU + DW के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी एम एल इज इक्वल टू DU + DW के, डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से पी डी भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा P × VV - VL के, यहाँ हो जाएगा P × VV - VL के, या इम्प्लाइज दैट DU इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ML - PVV - VL के, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, DU इज इक्वल टू आ जाएगा ML - PVV - VL। सिमिलरली चेंज इन, अगर हम मान लें कि इंटरनल एनर्जी प्रोसेस इन ऑफ फ्रीजिंग, अगर हम फ्रीजिंग स्टेट में कंसीडर करें तो यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, अगर इसी प्रकार से हम मान लें कि वाटर क्या है, फ्रीज हो जाता है, जब वाटर फ्रीज होगा तो यहाँ देखिए तब DQ इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली फॉर फ्रीजिंग, यहाँ ध्यान दीजिए दो प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, हम हीट प्रोवाइड करेंगे
तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, वाटर गेन करेगा, वाटर रिसीव करेगा। लेकिन जब हम कंसीडर करें कि हम हीट यहाँ क्या है, वाटर हीट, वाटर से हीट को बाहर ले लें, यानी वाटर हमारा फ्रीज हो जाए यानी बर्फ में कन्वर्ट होगा, यानी लिक्विड स्टेट से जब यह सॉलिड स्टेट में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर हमारा बर्फ में जाएगा, आइस में कन्वर्ट होगा, फ्रीज होगा, तो जब फ्रीज होगा तो वाटर क्या होगा, वेपर को, यानी कि वाटर क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकालेगा, यानी अमाउंट ऑफ हीट को सिस्टम यानी सराउंडिंग को देगा। तो यहाँ dQ इक्वल टू जहाँ ml था वहाँ वैल्यू क्या होगी, dQ इक्वल टू माइनस क्वांटिटी लेंगे यानी माइनस ml हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट हम कंसीडर करें तो dQ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ से dQ इज इक्वल टू होगा, देखिए dU प्लस dW है, dW को हम लिख सकते हैं P इंटू VV माइनस VL जो था आपका फ्रीजिंग में, तो डेल भी यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, P डेल भी ही कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब फ्रीजिंग स्टेट में आएगा तो वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होगा तो वाइस आइस से जब वाटर से यानी कि आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग होगी, वाटर में वॉल्यूम कुछ उसका अलग रहेगा, VL रहेगा, जब आइस में बर्फ में आ जाएगा तो वाटर कुछ चेंज होगा, तो हम डेल भी मान लेते हैं, ठीक है, डेल भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस इसलिए ले रहे हैं कि जब वाटर से फ्रीज होगा यानी कि आइस में कन्वर्ट होगा तो वाटर क्या होगा, हीट को सराउंडिंग में देगा, अपनी हीट को बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा, तो हीट को हम माइनस क्वांटिटी में निगेटिव लेंगे, इसलिए हम माइनस कंसीडर करते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा माइनस एम एल इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू प्लस पी डेल वी के, या इम्प्लाइज दैट डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम एल माइनस पी डेल वी के, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबैरिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट माइनस वर्क डन, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होगा माइनस, यानी यहाँ क्या होगा, जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और जब ये सॉलिड लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट ऑफ हीट और लिक्विड और क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो हमारे आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी एम एल माइनस पी डेल वी भी लिख सकते हैं, या भी यहाँ लिख सकते हैं भी आइस माइनस भी लिक्विड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आइसोबैरिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस हम कहते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, यानी वे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। तो हम जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में दैट इज भी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब भी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, दैट इज करके इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे हम रखते हैं, यहाँ से dQ इज इक्वल टू हो जाएगा dU प्लस dW dV इज इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कर सकते हैं dW इज इक्वल टू, हम जानते हैं PdV के, इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, dU प्लस हो जाएगा जीरो के, इम्प्लाइज दैट आ जाएगा dQ इज इक्वल टू dU के, ठीक ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस इन आइसोकोरिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवेन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द amount of heat given to the system is equal to the increase
इन इट्स इंटरनल एनर्जी इन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। यानी हम यहां से कह सकते हैं हेंस इन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट टेकन बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड हेंस द टेम्परेचर या कह सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है कि जब हम किसी सिस्टम को आइसोकोरिक प्रोसेस में लेंगे तो जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ कन्वर्ट होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी डी क्यू इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी इन आइसोकोरिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजेस इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी जो भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी की वृद्धि में खर्च होगी। और इंटरनल एनर्जी की जब वृद्धि में खर्च होगी तो हम इस प्रकार से कहेंगे जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक ना। यानी जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी भी सिस्टम को वो हीट सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में खर्च हो जाएगा। कोई भी कार्य हमको आइसोकोरिक प्रोसेस में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होगा डीवी की वैल्यू जीरो होगी। यानी वर्क डन इज इक्वल टू होता है पी इंटू डीवी के, डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी वर्क डन हो जाएगा जीरो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सिस्टम को आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे वो उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में खर्च हो जाएगी, यानी उस सिस्टम के टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में खर्च हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में कि वो साइक्लिक प्रोसेस वो कहा जाता है कि जब हम किसी सिस्टम को इनिशियल से फाइनल में लेते हैं किसी एक प्रोसेस से और फिर सिस्टम हमारा फाइनल से इनिशियल स्टेट में किसी दूसरे प्रोसेस से वापस आ जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में है। यानी जब हम किसी क्लोज्ड सिस्टम की बात करें या किसी क्लोज्ड प्रोसेस की बात करें तो क्लोज्ड प्रोसेस में हम सिस्टम को कैसे कंसिडर करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। यानी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। दैट इज इन साइक्लिक प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के। इन साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इन साइक्लिक प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू होगा जीरो के, इम्प्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू होगा जीरो प्लस डी डब्ल्यू के, या इम्प्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू के। यानी इन साइक्लिक प्रोसेस द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू टोटल मैकेनिकल वर्क, ठीक ना। यानी जब हम साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हम किसी क्लोज्ड प्रोसेस में किसी सिस्टम को कंसीडर करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को लेंगे तो जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे जस्ट लाइक ए आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी किए गए कार्य में खर्च होगी। यानी किसी भी प्रकार की हीट हमारी दूसरे प्रोसेस में या दूसरे पार्ट में क्वांटिटी में चेंज नहीं होगी, सारी की सारी हीट जितनी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी नेट वर्क डन में, ठीक है। ये हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइक्लिक प्रोसेस में हमको बताता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट करेगा किए गए कार्य में, ठीक है। हम लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट
अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इन द साइक्लिक. सो इन ए साइक्लिक प्रोसेस द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू वर्क डन या एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन. यानी जितना हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, किए गए कार्य में. इन आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हेन इन आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं कि वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी वर्क डन हमारा जीरो होगा. इन आइसोकोरिक प्रोसेस हमने पीछे भी आपको बताया पीछे वीडियो में. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजेज इन आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग होगी और उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होने में सारी की सारी हीट हमारी खर्च हो जाएगी. ठीक, और आइसोकोरिक हो गया. इसके पहले हमने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस बताया. एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने आपको बताया कि सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इन एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने कहा कि हीट हमारी क्या होगी, हीट चेंज नहीं होगी. तो सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम किसी सिस्टम को कंसीडर करेंगे, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम हमारा एक्सपेंड करता है, यानी गैस हमारी एक्सपेंड करती है एडियाबेटिकली. एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी की डिक्रीजिंग, जितनी इंटरनल एनर्जी लॉस होगी उसके इक्विवेलेंट होगी. यानी जब सिस्टम हमारा यानी गैस हमारी एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिक प्रोसेस में तो सिस्टम का यानी कि गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी तो सिस्टम की यानी कि गैस जब हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी एडियाबेटिक प्रोसेस में तो गैस का जो टेम्परेचर है एडियाबेटिक प्रोसेस में जब कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. यानी जितना वर्क डन हमको फाइंड होगा जब कॉम्प्रेस्ड होगी गैस, जो वर्क डन हमको प्राप्त होगा वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो जो वर्क डन फाइंड होगा वर्क डन हमारा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा. यानी जब गैस हमारी एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब गैस हमारी एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड होगी तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको बताया कि जितनी हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है और इंटरनल एनर्जी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी किसी प्रकार के का चेंज नहीं होगा. तो इंटरनल एनर्जी में जब किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो होगी. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट सिस्टम कहां कन्वर्ट करेगा, किए गए कार्य में कन्वर्ट करेगा. इस प्रकार से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं. एक एप्लीकेशन हमारा और है फ्री एक्सपेंशन का. फ्री एक्सपेंशन उसमें होता है जिसमें हम सिस्टम ना तो किसी प्रकार की ऊष्मा अंदर से बाहर करता है, जिसमें सिस्टम की हीट कांस्टेंट होती है और सिस्टम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, जहां पे डीक्यू की वैल्यू भी जीरो हो, डीडब्ल्यू की वैल्यू भी जीरो हो. समझ रहे हैं ना? तो जब डीक्यू और डीडब्ल्यू की वैल्यू जीरो होगी फ्री एक्सपेंशन, यानी कहने का मतलब जहां वर्क डन भी जीरो हो और अमाउंट ऑफ हीट में भी किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो, यानी कहने का मतलब वहां पे सिस्टम हमारा फ्री एक्सपेंशन में कहा जाता है. यानी जहां dq की वैल्यू जीरो हो, dw इज इक्वल टू भी जीरो हो. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम कंसीडर करेंगे तो dq इज इक्वल टू होता है du प्लस dw के, इंप्लाइज दैट जीरो प्लस g यहां हो जाएगा du प्लस जीरो के, यानी du की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी. यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो होगी. इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी वही हमारी फाइनल स्टेट में भी इंटरनल एनर्जी होगी. यानी फ्री एक्सपेंशन में जब किसी सिस्टम को हम फ्री एक्सपेंशन में लेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू भी जीरो होगी, चेंज इन हीट भी जीरो होगा और अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हमारा जीरो होगा. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो होगी, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी. फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, न ही हमको कोई वर्क डन प्राप्त होगा, न ही हमको अमाउंट ऑफ हीट में कुछ मिलेगा. यानी अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू भी जीरो जहां हो, जहां वर्क डन भी जीरो हो, दोनों जीरो हो, वो हम प्रोसेस हमारा फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है. फ्री एक्सपेंशन में हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसा यहां हम आपको दिखा रहे हैं. ठीक है ना? इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी फाइनल स्टेट के इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. इस प्रकार से हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने आपको पूरा एक एक प्रोसेस करके आइसोथर्मल के लिए भी बताया है, एडियाबेटिक में बताया, आइसोबैरिक में बताया, आइसोकोरिक में बताया. इसके बाद हमने आपको साइक्लिक प्रोसेस में भी बताया. साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है उसी प्रकार से रिवर्सल प्रोसेस के लिए भी वही होता है. फ्री एक्सपेंशन में भी हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बताया. तो आज के वीडियो में हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में चर्चा की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा वेरियस प्रोसेसेस में किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार का हमको स्टेटमेंट देता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि किस स्टेट में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस प्रोसेस में हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने
डिटेल डिस्कस किया अलग अलग वेरियस प्रोसेसेस में, हमने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।